नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे फौजी भाई को इंसाफ मिल सके। दोस्तों, यह घटना है 24 नवंबर 2022 की। बरेली ट्रेन दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए फौजी सोनू सिंह गुरुवार को आखिरी जीवन की जंग हार गए। 17 नवंबर को बरेली जैक्शन पर डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में चढ़ते समय गिरने से राजपुतारा राइफल रेजिमेंट के यूनिट 24 के फौजी जवान का एक पैर कट गया था, जबकि दूसरा पैर कुचला गया था। आरोपी की टीटी कूपन बोरे के धक्के से फौजी सोनू सिंह गिर गया। यात्रियों ने चैन पुलिंग कर ट्रेन रुकवा कर हंगामा किया। इसी बीच आरोपी टीटी मौके से भाग निकला। घटना के बाद पहुंचने पर सेना के अधिकारियों ने फौजी को इलाज के लिए मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसके बाद फौजी को बुधवार तक होश नहीं आया। हालत बिगड़ने पर सोमवार को कुचले हुए पैर को भी काटना पड़ा। इधर सेना की ओर से दी गई तहरीर पर पुलिस ने 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर टीटी की तलाश शुरू कर दी, मगर टीटी अभी तक पकड़ा नहीं गया। बरेली में फौजी की मौत पर राजकीय रेलवे पुलिस के थाना अध्यक्ष अजीत प्रताप सिंह ने कहा कि आरोपी टीटी के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। दुख की बात यह है कि बड़े लंबे संघर्ष के बाद फौजी जवान ने दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे फौजी भाई को इंसाफ मिल सके, क्योंकि खुशनसीब होते हैं वो लोग जो वतन पे मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ तुम्हें सलाम ए वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में बसता तिरंगे का मान है। कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर सोने में भी सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। कि सैनिक की मौत पर गांव ही नहीं पूरा देश भी रोता है, ऐसे सपूतों को जन्म देकर माँ का को कभी धन्य हो जाता है, जिसकी वजह से सारा जहां चैन से सोता है। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।